नमस्कार, स्वागत है आपका आज इन पर के संक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। तीन स्कूली छात्राओं पर हुए एसिड हमले के बाद शिक्षा विभाग हुआ चौकन्ना। हमीरपुर जिला के ऊटपुर स्कूल में एसिड हमले के बाद कार्यकारी शिक्षा उपनिदेशक अजय पटियाल ने की स्कूल में जाँच। अस्पताल में पहुँची छात्राओं ने पहली बार मीडिया के सामने बयान की अपनी बात। रविंद्र कुमार ने नामी कंपनी से नौकरी छोड़कर अपनाया मशरूम उत्पादन का व्यवसाय। मशरूम के उत्पादन से सालाना हो रही है लाखों रुपए की आमदनी। बेरोजगार युवाओं को रविंद्र कुमार ने दी स्वरोजगार अपनाने की नसीहत। एमएसक्यूआई इकाई हमीरपुर ने फर्जी डिग्री प्रकरण पर प्रदेश सरकार के खिलाफ बोला हमला। प्रदेश में 5 लाख के करीब फर्जी डिग्रियों की खरीद फरोख्त का मामला आया सामने। एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री पर भी जड़े मिलीभगत के आरोप। नगर पंचायत भोटा में हर वर्ष की तरह इस बार भी महादंगल छिंज का किया गया आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर छिंज मेले का उठाया लुत्फ। फाइनल मुकाबला चला विकास खन्ना व गोपाल मंडी के बीच।